दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी हम नए वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में। टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। गाइस यू मे बी अ स्टूडेंट, आप एक स्टूडेंट हो सकते हो, यू मे हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर न्यू क्लास। आपको अपना इंट्रोडक्शन अपनी नई क्लास में देना पड़ सकता है। You may be in an interview, आप एक इंटरव्यू में हो सकते हैं, you may have to introduce yourself before the interviewer, आपको इंटरव्यूअर के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। इंटरव्यूअर कौन होता है? जो इंटरव्यू लेता है। या फिर you may be in an auditorium and you may have to give your introduction in front of thousands of people, आप एक ऑडिटोरियम में हो सकते हो और आपको हजारों लोगों के सामने अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ सकता है। Irrespective of where you are, the way you introduce yourself decides what perception people are gonna have about you. जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हो ना, ये डिसाइड करता है कि लोगों के मन में, लोगों के ब्रेन में आपका क्या परसेप्शन होने वाला है। आपने कहावत सुनी होगी, well begun is half done, अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम हो गया। ठीक इसी तरह से इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज जो स्टेप्स मैं आपको यहां पर बताऊंगा, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो चाहे आप आज इंटरव्यू देने जा रहे हो या एक महीने के बाद या एक साल के बाद, आप कभी भी इंटरव्यू दें, इन स्टेप्स को फॉलो करिएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कम से कम इंट्रोडक्शन का तो एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आप बनाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है ग्रीट करना। ग्रीट का मतलब होता है अभिवादन करना। जब आप किसी से मिलते हैं तो हिंदी में आप क्या कहते हैं? नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। लेकिन इंग्लिश में आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग। हमेशा ध्यान रखें, हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये आप कभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि ग्रीट करने का ये इनफॉर्मल तरीका है, अनौपचारिक तरीका। और जब आप किसी इंटरव्यू में होते हैं या अपनी क्लास में इंट्रोडक्शन देते हैं और उस टाइम पे आपको ग्रीट करना है तो हमेशा आपको होना पड़ेगा फॉर्मल। दोपहर के 12 बजे तक आप कहेंगे गुड मॉर्निंग, दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक आप कहेंगे गुड आफ्टरनून, और शाम के 5 बजे के बाद अगर कभी इंटरव्यू में या कहीं पे भी आपको इंट्रोडक्शन देना है तो आप हमेशा कैसे ग्रीट करेंगे? गुड इवनिंग। अब आप बताते हैं अपना नाम और उसके बाद आप बताते हैं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं। तो देखिए, नाम बताने के लिए जनरली 4 तरीके लोग यूज करते हैं। दिस इज अपना नाम, आई एम अपना नाम, myself अपना नाम, या फिर my name is और अपना नाम बताते हैं। लेकिन तीसरा तरीका myself के साथ अपना नाम बताना, ये grammatically incorrect है। myself एक possessive pronoun है और possessive pronoun के तुरंत बाद एक noun का use इस तरह से नहीं किया जाता। तो आप इन तीन तरीकों से अपना नाम बता सकते हैं। हालांकि आपको मैं जरूर कहूंगा सबसे best तरीका है my name is और जो भी आपका नाम है। my name is राहुल, My name is अमन, My name is प्रिया, My name is रिया, My name is श्वेता, My name is रश्मि, जो भी आपका नाम है इस तरह से आप नाम बता सकते हैं। और उसके बाद आता है प्लेस। दो तरीके आपके सामने हैं। I belong to, कहां के आप रहने वाले हैं? मान लीजिए आप रहने वाले हैं देहरादून के, I belong to देहरादून, या फिर I am from देहरादून। इन दोनों तरीकों से आप बता सकते हैं कि आप किस जगह के रहने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, मान लीजिए कि इंटरव्यू देहरादून में ही हो रहा है और तब मैं कहना चाहता हूं कि मैं देहरादून का ही हूं, देहरादून का ही। ये जो ही वर्ड आया ये मैंने क्यों यूज किया? क्योंकि देहरादून में इंटरव्यू हो रहा है तो मैं कहता हूं मैं देहरादून का ही हूं। अगर देहरादून में इंटरव्यू हो रहा होता और मैं होता दिल्ली का तो मैं क्या कहता? मैं दिल्ली का हूं। तब मैं ये थोड़ी कहता मैं दिल्ली का ही हूं, नहीं, तब मैं कहता मैं दिल्ली का हूं। यहां पर मैंने कहा मैं देहरादून का ही हूं, यानी देहरादून में इंटरव्यू हो रहा है और मैं देहरादून का ही हूं। ऐसे केस में एक वर्ड आप यूज करते हैं, इटसेल्फ। मान लीजिए आप कोटा के हैं और कोटा में ही इंटरव्यू हो रहा है तो आप किस तरह से कहेंगे? आई बिलोंग टू कोटा इटसेल्फ, या फिर आई एम फ्रॉम कोटा इटसेल्फ, इसका आप यूज करते हैं। दैट्स इट। आपने पहले बताया अपना नाम, उसके बाद आपने बताया कि आप कहां के रहने वाले हैं। अगला स्टेप है फैमिली, और उसके बाद आप बताते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में। जब आप बताते हैं अपनी फैमिली के बारे में तो एक सेंटेंस आप रख सकते हैं, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा आई हैव, कौन कौन है?
मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है और एक छोटी बहन है, आप कह सकते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड और एक छोटी बहन, अ यंगर सिस्टर, बस इतनी सी बात। अब मान लीजिए आपका केवल एक भाई है जो बड़ा है आपसे, तो आप कहते हैं आई हैव एन एल्डर ब्रदर, दैट्स इट, बस यहां पर फिनिश हो गया। या फिर आपकी एक बहन है, केवल बड़ी बहन है, आई हैव एन एल्डर सिस्टर। या फिर मान लीजिए आपकी केवल एक छोटी बहन है, आई हैव अ यंगर सिस्टर। अगर आपके दो बड़े भाई हैं तो आप कहते हैं आई हैव टू एल्डर ब्रदर्स, ब्रदर नहीं ब्रदर्स, प्लूरल हो जाएगा, एस लग जाएगा इसके बाद। या फिर मेरी दो बड़ी बहनें हैं, आई हैव टू एल्डर सिस्टर्स। मेरी दो छोटी बहनें हैं, आई हैव टू यंगर सिस्टर्स। अगर आपके परिवार में आपके माता पिता के अलावा आपकी दादी जी भी हैं, दादी जी को आप क्या कहते हैं, ग्रैंड मदर, तो आपको सिर्फ इतना करना है, यहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, यहां पर ऐड कर लीजिए अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर, मेरे माता पिता और दादी जी को छोड़कर या दादी जी के अलावा मेरे दो भाई हैं, दो बहनें हैं, जो भी है। तो इस तरह से इस सेंटेंस को आप नोट कर लेंगे और हमेशा ऐसे ही आपको बोलना है, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं हमारे अगले स्टेप की, जो कि है क्वालिफिकेशन। जब आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हैं, अगर आप सिक्स क्लास में, तो आप कहेंगे आई एम इन क्लास सिक्स। यहां पर ध्यान रखें सिक्स नहीं, ये नहीं कि आप कहते हैं सिक्स, सिक्स नहीं कहना है आपको, क्या कहना है आई एम इन क्लास सिक्स। या फिर आई एम इन क्लास सेवन, आई एम इन क्लास एट, आई एम इन क्लास नाइन, आई एम इन क्लास टेन, आई एम इन क्लास इलेवन, आई एम इन क्लास ट्वेल्व। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अक्सर इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है, आपके सामने एक सेंटेंस आता है आई एम इन क्लास और ऑप्शन आ जाता है सिक्स या सिक्स, और वहां पर अक्सर आप सोचते हैं सिक्स क्लास, तो क्लास सिक्स आप लिख देते हैं, वो गलत है, यह आप हमेशा ध्यान रखें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। दूसरे सेंटेंस में आई एम इन, या आप इस तरह से कह सकते हैं आई एम इन सिक्स स्टैंडर्ड, यहां पर आप सिक्स कहते हैं, सिक्स स्टैंडर्ड नहीं, सिक्स, सिक्स स्टैंडर्ड, सेवन स्टैंडर्ड, एट स्टैंडर्ड, नाइन स्टैंडर्ड, टेन स्टैंडर्ड, इलेवन स्टैंडर्ड, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहते हैं आई एम अ ग्रेजुएट। आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप कहते हैं आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट। या फिर एक दूसरा तरीका, मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक हैं तो आप कहते हैं आई एम बी टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आई एम बी टेक इन कंप्यूटर साइंस, आई एम बी टेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई एम बी टेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर आई एम पीएचडी, मैं पीएचडी हूं किसमें, इन फिजिक्स, आई एम पीएचडी इन इंग्लिश, आई एम पीएचडी इन मैथमेटिक्स, जिसमें भी आप पीएचडी हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप ट्वेल्थ के बाद जब आप किसी हायर एजुकेशन को परसू करते हैं, हायर एजुकेशन को कर रहे होते हैं, उसे परसू करना कहते हैं, तो आप कहते हैं आई एम परसुइंग, मैं कर रहा हूं या मैं कर रही हूं क्या, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम परसुइंग बीटेक, आई एम परसुइंग पीएचडी, जो भी आप परसू कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, हायर क्वालिफिकेशन जो आप ले रहे हैं उसे आप परसू कर रहे हैं। और या फिर एक तरीका और है, आई एम इन, जैसे मान लीजिए आप बीए सेकेंड ईयर में, आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, आई एम इन बीएससी थर्ड ईयर या फाइनल ईयर, आई एम इन बीटेक फर्स्ट ईयर, इस तरह से। तो जो भी आपको, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या आप परसू कर रहे हैं या आप कर रहे हैं, उसे आपको नोट कर लेना है और इसी तरह से इंट्रोडक्शन में आपको यूज करना है। तो ये बात हुई क्वालिफिकेशन की। अगला स्टेप है एडिशनल क्वालिफिकेशन, ये क्वालिफिकेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, या फिर स्किल्स। अगर आपके पास कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन है, एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। यहां पर दो सेंटेंसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं, पहला सेंटेंस आई हैव डन, मैं कर चुका हूं क्या, सिक्स मंथ्स बेसिक कंप्यूटर कोर्स, छह महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स From, from मतलब से, कहां से, इंस्टीट्यूट का नाम आप बता सकते हैं, एक्स वाई जेड इंस्टीट्यूट, जो भी इंस्टीट्यूट का नाम हो वो बता दीजिए, इन ईयर, कौन से साल में,
इन 2013, इन 2014, इन 2015, जो भी है। ये जो फ्रॉम के बाद इंस्टीट्यूट का नाम है या इन के बाद जो साल है, या बताना चाहें तो बताएं, ना बताना चाहें तो नहीं बताएं, ये आपके ऊपर है। आप इतना भी कह सकते हैं, आई हैव डन 6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स। दूसरा सेंटेंस, आई हैव डन 6 months कोर्स, या 6 months का डिप्लोमा हो सकता है तो डिप्लोमा कह दीजिए ऑन, या फिर ट्रेनिंग भी हो सकता है, आई हैव डन 6 months ट्रेनिंग, ट्रेनिंग हो सकता है, इंटर्नशिप भी हो सकता है ऑन कोर्स का नाम। मान लीजिए वेब डेवलपमेंट में किया आपने, आई हैव डन 6 months डिप्लोमा ऑन वेब डेवलपमेंट फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम इन ईयर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स को जनरली इंट्रोडक्शन देते हुए क्वालिफिकेशन बताने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं सबको पता है कि आप इस क्लास में हैं, वो भी आपके साथ उसी क्लास में। एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने गेन ही नहीं की होती इसलिए आप बता नहीं पाते। जैसे मान लीजिए आप 6th standard में हैं, तब आपने कोई कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग नहीं की, तो कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है ही नहीं, तो आपको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं होती है। और एक्सपीरियंस का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि काम करने का कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास नहीं होता है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये स्टेप्स अप्लाई नहीं होते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्सपीरियंस की जब हम बात करते हैं, 3 sentences आपके सामने हैं। पहला, आई एम अ फ्रेशर। मान लीजिए आप अभी भी पास आउट हुए हैं किसी यूनिवर्सिटी से, किसी प्रोफेशनल कोर्स से, और आपके पास काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप कहते हैं आई एम अ फ्रेशर। अब जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप कहते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन। अब काम का नाम बताइए। मान लीजिए वेबसाइट डेवलपमेंट में आप घर पे ही बैठ के काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, और वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करते हैं, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप कहते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट। कोई भी आप प्रोफेशनल वर्क का नाम ले सकते हैं, या फिर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, इस तरह से सेंटेंस, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या वर्किंग इन, दोनों तरह से बोला जाता है। और फिर आप बताते हैं कंपनी का नाम। मान लीजिए HCL में आपको 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस है, तो आप कहते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद या वर्किंग इन HCL, as a या n। अब पोजीशन का नाम बताते हैं। मान लीजिए आप वहां पर ऑफिसर थे, तो आप कहते हैं as an officer, क्योंकि ऑफिसर के साथ क्या यूज होगा, n। या फिर आप वहां पर एग्जीक्यूटिव थे, as an executive, या फिर आप वहां पर मैनेजर थे, मैनेजर के साथ a का यूज करेंगे, as a manager। अगला स्टेप है हॉबी। हॉबी का मतलब होता है शौक। आपको क्या शौक है? एक सेंटेंस आपने अक्सर सुना होगा, माय हॉबी इज, मेरी हॉबी है लिसनिंग टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनना। गाइस यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हमेशा ध्यान रखिए, लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हमेशा आप प्रेपोजिशन टू का यूज करेंगे। कई बार मैं सुनता हूं कोई कहता है लिसनिंग म्यूजिक, नहीं लिसनिंग म्यूजिक नहीं, लिसनिंग टू म्यूजिक, पहला पॉइंट। दूसरा, माई हॉबी इज, इनमें से कोई भी हॉबी हो सकती है, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना मेरी हॉबी है, या फिर रीडिंग मैगजीन्स, रीडिंग नॉवेल्स, जो भी आप पढ़ना पसंद करते हैं। माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, मेरी हॉबी है गाना। गाना बोला तो यानी गाने गाना। और अगर आप पर्टिकुलरली ये मेंशन करना चाहो कि आपको पुराने गाने गाना पसंद है, तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज सिंगिंग ओल्ड songs, माई हॉबी इज कुकिंग, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज प्लेइंग फुटबॉल, या जो भी गेम आप खेलना पसंद करते हो। एक तो ये तरीका है, दूसरा यहां पर एक पॉइंट और है, माई हॉबी इज, इसकी जगह पर हम कह सकते हैं आई लव, इतना, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लव रीडिंग बुक्स, I love dancing, singing, cooking, या फिर I love playing cricket, I love playing football। ये है एक तरीका जिस तरीके से आप बना सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल हो आप उसका यूज कर सकते हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी हॉबी एक ना हो बल्कि एक से ज्यादा हो, आपको म्यूजिक सुनना भी पसंद हो और किताबें पढ़ना भी पसंद हो, तो ऐसे केस में आप कहते हैं रीडिंग
और मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है तो आप कहते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर। इस तरह से आपकी दो हॉबीज हैं। और या फिर आप यहां पर माय हॉबीज आर इसकी जगह पे किसका यूज कर सकते हैं, आई लव का, आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आप इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन देने के बाद जो आखिरी स्टेप बनता है वो है एंड कर देते हैं। किस तरह से एंड करते हैं, क्या बोलते हैं आप कहते हैं दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। उनका धन्यवाद भी करना है आपको, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन को एंड कर देते हैं। गाइस, आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, इन स्टेप्स के हिसाब से आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करिए और इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स में आपको जरूर लिखना है, एक एक स्टूडेंट को लिखना है इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंच सके। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।